मेरा नाम मुस्कान है, मैं 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं सरकारी हाई स्कूल चंसर बस्ती बठिंडा में पढ़ती हूँ। मेरा आज का विषय है प्रदूषण की समस्या और समाधान। जल प्रदूषण, जल ही जीवन है, हम सब जानते हैं। हम स्वयं ही इसे प्रदूषित कर रहे हैं। जल जीवन की सारी गंदगी और कारखानों का गंदा पानी इसे प्रदूषित कर रहा है। दूषित पानी पीने से कई प्रकार के भयानक रोग मानव के जीवन में फैल रहे हैं। समाधान, गंदगी को स्वच्छ जल से दूर रखकर ही जल को दूषित होने से बचाया जा सकता है। जन जन को जल का महत्व समझाकर ही यह संभव है। वायु प्रदूषण, वायु ही जीवन का मूलाधार है। इसके बिना मानव का जीवन असंभव है। वृक्ष कार्बन सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसको यह वायु प्रदूषण कारखानों, चिमनियों के धुएं से और वाहनों के धुएं से बढ़ता है। इसको रोकने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण, विज्ञान ने मानव जीवन को यहाँ एक और सरल बना दिया है, वहीं कई कठिनाइयाँ भी खड़ी कर दी हैं। तेज गति से चलने वाले वाहनों का शोर, लाउडस्पीकरों का शोर, बुल कारखानों का शोर मानव को बहरा बना रहा है। समाधान, ध्वनि को नियंत्रित किया जाना अति आवश्यक है। मशीनों का प्रयोग निश्चित समय के लिए हो, हस्तकला के प्राथमिकता मिले। भूमि प्रदूषण, धरती से अधिकाधिक अन्न प्राप्त करने के लिए इसे काटा जाता है और धरती से कई खनिज प्राप्त करने के लिए इसे काटा जाता है। इसको रोकने के लिए हमें भी अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और सौर ऊर्जा का जैविक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए और सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। महत्वपूर्ण बिंदु, जल और गंदगी को एक दूसरे से दूर रखा जाए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, देश की जनता को प्रदूषण प्रति जागृत किया जाए, मशीनों का प्रयोग सीमित हो, हस्तकला को पहल मिले, गति और ध्वनि को नियंत्रण आवश्यक है। धन्यवाद।